आइए जानते हैं आपका डाइट प्लान। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। वेल, आज सबसे स्पेशल चीज़ पर हम बात करने वाले हैं, मॉनसून ईटिंग। मॉनसून ईटिंग मतलब पकौड़ा ईटिंग, मॉनसून ईटिंग मतलब ब्रेड पकौड़े के साथ चाय भी होनी चाहिए, और मॉनसून ईटिंग मतलब हम बाकी चीज़ों को भी खाना चाहेंगे, क्योंकि फ्राइड खाना है जो अलाउड है। मॉनसून्स में बेसिकली अगर चोटें लगती हैं या हमारे वूंड्स हैं या एक्ने हैं, वो बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, और जो चोटें हैं वो हील बहुत डिले होती है, क्योंकि मॉइस्चर इतना ज़्यादा आसपास होता है कि जो भी वूंड हीले हैं वो बहुत ज़्यादा डिलेड फॉर्मेशन पे हो जाते हैं। आइए बात करें मॉनसून में क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, और क्या क्या चीज़ों से हमारे प्रोफाइल है जो बेटर कर सकते हैं। जो भी आप खाना खा रहे हैं, कोशिश करें दूध और दही दोनों को इकट्ठा सेवन ना करें। दूध और दही का इकट्ठा अब्जॉर्ब नहीं होता। कई लोग नाश्ते में पराठे के साथ या ड्राई रोटी के साथ दही लेते हैं और साथ में एक गिलास दूध है जो पीते हैं। ये दोनों का फॉर्मेशन कभी भी इकट्ठा अब्जॉर्ब नहीं होता, और क्योंकि इकट्ठा अब्जॉर्ब नहीं होता तो बॉडी रिएक्ट ही नहीं करती है, तो इम्यूनिटी बूस्ट ही नहीं होती है। सेकंड, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमें को बहुत गर्मी लग रही है, तो हम बाहर से आए तो रूह अफ़ज़ा पीते हैं, या ऐसे ठंडे जल हैं जो पीने शुरू कर देते हैं, जो एक्सट्रीम कूल टेम्परेचर पर आप जो पीना लग जाते हैं, उससे भी आपकी बॉडी का डैमेज जोन है जो बढ़ता है, और एक्ने फॉर्मेशन से जो ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मॉइस्चर इतना ज़्यादा है। जो भी पानी पिए हैं या कोई भी जो नींबू पानी पीना चाहते हैं या शरबत जो पीना चाहते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर है जो लेना चाहिए, ताकि बॉडी फॉर्मेशन थी बेटर है जो जाए। आइए बात करें और क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। जब सीजनल चेंज होता है तो तरबूज, मस्क मेलन, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जी हाँ, नहीं खाना चाहिए। आपने कभी सुना होगा कि बरसातों के बाद खरबूजे में मिठास है जो कम होनी शुरू हो जाती है। एक्चुअली क्योंकि वो वाटर रिटेंशन फ्रूट्स होते हैं, और वाटर रिटेंशन फ्रूट्स का वाटर के साथ कोलैब है जो नहीं जाता, इसलिए उनमें मीठा है जो कम होने लग जाता है। इसलिए बड़े ये कहते हैं कि मीठा कम हो गया तो नहीं खाना चाहिए, बट एक्चुअली मॉनसून में मॉइस्चर इतना ज़्यादा हो गया कि वो अब्जॉर्ब नहीं होते। इस टाइम पे पपीता, सेब, ये सब चीज़ें हैं जो अच्छी खा सकते हैं। आजकल आड़ूओं का बहुत ज़्यादा सीज़न है, वो भी आप अच्छी मात्रा में खा सकते हैं, और ये हर टाइप का पेशेंट है जो खा सकता है। लेकिन जिन पेशेंट्स का क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा वेरिएटेड है या किडनी के काफ़ी सारे इशूज़ हैं, वो इनको अवॉइड कर सकते हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें जो आपका सेवन करना चाहें, गुड़ के साथ साथ दलिया का सेवन है जो मैक्सिमम कीजिए, ताकि अब्जॉर्प्शन अच्छा जाए और बॉडी फॉर्मेशन है जो अच्छा जाए। अगर इन चीज़ों को आप प्रॉपर कॉम्बाइन करके लेते हैं तो आपकी बॉडी की हीलिंग है जो बेटर जाती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है फेस पे एक्ने के मार्क्स के साथ, स्कार्स के साथ। अगर फेस पे एक्ने के स्कार्स हैं जो आपके रह गए हैं क्योंकि आप उनको ब्लिस्टर को तोड़ दिया है या आप उसको छेड़ते छेड़ते हैं चोट लग गई या छिल गया, तो दूध और बेसन, सुबह कच्चा दूध लीजिए और बेसन लीजिए, उसे कंबाइन करके उसको पेस्ट बना के अपने फेस पर लगाइए। आपकी बॉडी जो है वो ब्लेमिशेस से फ्री होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो चावल के आटे का कंबाइन पेस्ट बनाइए, वो अपने फेस पर लगाइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, मैं सब कुछ लगा रहा हूँ या स्किन पे सब सारे पैक्स लगाए जा रहे हैं, तो फ्रूट पैक के बजाय कोई भी फ्रूट लीजिए, उसे मैश कीजिए और वो अपने फेस पे लगाइए। ब्लेमिशेस कम हो जाएंगे, ओपन पोर्स कम हो जाएंगे, और स्किन हेजिंग हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन।